हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वुमन बॉस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक चीज़ बताऊंगा जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आदत पड़ी हुई है वो लैपटॉप की या कंप्यूटर की पड़ी हुई है एमएस वर्ड चलाने की, कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे ज़रूरत पड़ जाती है और एमएस वर्ड का ही कोई काम है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे हाथ में सेलफोन होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है, वो काम करके ज़रूर देना होता है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि उनको एमएस वर्ड मोबाइल से चलाना नहीं आता। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये 12 मिनट का वीडियो आपको एक एक चीज़ बेसिक चीज़ पूरे क्लियर करेगा। इस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एमएस वर्ड। जैसे मैं यहाँ पर एमएस वर्ड यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन जो दिख जाती है एमएस वर्ड की, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरा एमएस वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, समय बचाने के लिए मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन से पहले मैं यहाँ पे लोगो दिखा देता हूँ आपको पहचान करने के लिए किस टाइप का ये लोगो होता है। आप देख पा रहे होंगे ये इस टाइप का, ये एमएस वर्ड जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं आपका यहाँ पे एमएस वर्ड ये लोगो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। एक एक डिटेल आपको बेसिक चीज़ ये आनी चाहिए, आप इसको पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरा ये इस टाइप से इंटरफेस आ गया है। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्लस का ऑप्शन यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा होगा, प्लस के ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। आप जैसे ही यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग अलग तरीके रिज्यूम कुछ भी बनाना है, नोट्स लिखने हैं या कुछ लिखना है। फिलहाल मुझे यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है। मैं आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे ब्लैंक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक गॉट इट वाला पॉपअप खुल जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करके अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे कि हमारा कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है फ्रेंड्स, आपको उसको बड़ा या छोटा करना होता है। बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उसको बड़ा या छोटा किस तरीके से करते हैं, कोई किसी में हमें पहला अक्षर बड़ा चाहिए और बाद बाकी छोटे चाहिए तो किस तरीके से लिखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि दो सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्यूब से कैसे पैसे कमाएं, और मैं दूसरा लिख दूंगा यूट्यूब से कितनी पैसे कमा सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो उसके लिए तैयार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा वाला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूट्यूब से कितने पैसे कमा सकते हैं, दोनों मैंने लिख दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जैसे हमें इसमें वाई बड़े में है, एस छोटे में है, के छोटे में, हमें शुरू के अक्षर बड़े करने हैं या फिर हमें टोटली बड़े करने हैं तो हम किस कौन से ऑप्शन में जाके इनको बड़े कर सकते हैं, बड़े या छोटे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब से पैसे कमाएं, ये आपको यहाँ पे टैप करे रहना है, एक सेलेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन आने के बाद आपको इसको फुली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दबाए रहता हूँ और पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर रहता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉर्नर में ए लिखा है और एक पेंसिल डॉट बना है, पहला ऑप्शन सर्च के बराबर में जो है, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम बटन का ये जो फीचर हैं वो दिख जाते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में यहाँ पे दिखते हैं होम बटन वाले फीचर। आपको यहाँ पे जाना है मोर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आपको ये कुछ हिडन सा वो है, कंप्यूटर में तो सामने दिख जाता है लेकिन आपको यहाँ पे अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मोर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, आपको यहाँ पे चेंज केस वाला ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ए और ए बड़े में और छोटे में ये वाला दे रखा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे तीनों चारों जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे खुल चुके हैं, ये देख पा रहे होंगे, पहला सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, मैं चारों पांचों आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम सेंटेंस केस वाले ऑप्शन की बात कर लें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑलरेडी पहले से ये सेंटेंस केस वाला हो रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा थोड़ा वर्क नहीं करा, आप पहले से हो रखा है। और दूसरे वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरा ये चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं लोअर केस सेलेक्ट करा। अब अपर केस में सेलेक्ट करता हूँ तो सारे मेरे बड़े हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे।
दोबारा से मैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, यहाँ पे पहला अक्षर बड़ा होगा और बाद बाकी छोटे होंगे, मैं कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे पहला अक्षर बड़ा और बाद बाकी छोटे में ऑटोमेटिक जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टॉगल केस, ये टॉगल केस पहला अक्षर छोटा और बाद बाकी बड़े, ये स्टेप से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप अब मैं फिलहाल यहाँ पे लोअर केस पे कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर ये कहाँ से होते हैं और किस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो बहुत जल्दी ऊपर की साइड जाके होम बटन पे हम कर देते हैं। यहाँ पे भी फिलहाल होम बटन पे आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ पे कलर का यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है पहले की तरह, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको दबाए रहना और नीचे की साइड आपको खिसका देना है ये कर्सर। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें माउस से करते थे लेकिन इसमें आपको हाथ से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कलर के लिए भी और बोल्ड इटैलिक के लिए भी आपको दिखा दूँ। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, अब बोल्ड पे कर रहा हूँ, अंडरलाइन करा, इटैलिक करा, कुछ भी करता हूँ तो वो मेरा यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कलर की। मैं ए पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे जो बना हुआ था कलर का ए जो बना हुआ था, मैं उस पर टाइप करा और कलर चूज़ करके मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। देख सकते हैं आप, मैंने रेड कलर यहाँ पे चूज़ कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे टॉपिक के ऊपर, जैसे हमें डॉट लगाने हैं या 1 2 3 लगाने हैं वो कौन से ऑप्शन में जाके लगाना होता है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है एंटर दबा के ऑटोमेटिक हमें चाहिए कि हमें 1 या 2 अपने आप होता रहे, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना जो जोन सा भी आपका टॉपिक है उसको सेलेक्ट करना है पहले की तरह, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपके होम स्क्रीन पर ही ये ऑप्शन दिख जाएगा, पहला वाला जो ऑप्शन ये ए के बराबर में, कलर के बराबर में जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये देख सकते हैं, डॉट वाला और 1 2 3 ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये बहुत ज़रूरत भी रहते हैं। मैं डॉट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे डॉट डॉट बन जाता है, और मैं 1 2 3 वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरे 1 2 3 यहाँ पे बन जाएंगे। देख सकते हैं 1 2, अगर एंटर करके और भी मेरे 10 चार्ट बने होते तो मेरे 10 के 10 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते और मैं आसानी से यहाँ पे बहुत जल्दी ही मेरा काम भी हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉन्ट और उसकी साइज को चेंज किस तरीके से करते हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो मेन पार्ट है फॉन्ट का, तो उसको भी कभी कभी क्या होता है हमें अलग चीज़ दिखानी होती है फॉन्ट को और उसको बड़ा साइज करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है ये चीज़, वो भी चीज़ आपको इस मोबाइल से कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा किस चीज़ का फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फॉन्ट हो वो आपको देख लेना है कि हमारा किस तरीके का फॉन्ट रहेगा। आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है जो उन सभी आपका सेंटेंस हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर कॉर्नर में एक ए जो ए सबसे ऊपर सर्च के बराबर में जो पहला ऑप्शन है इस पर टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे की साइड आना है, सबसे ऊपर ही यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सक पा रहे होंगे ये ऊपर ही सबसे ऊपर दिख जाता है। आपको स्क्रॉल कर देना है, सबसे ऊपर ये वाला ऑप्शन दिख जाता है कैलिब्री बॉडी, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके फॉन्ट्स खुल जाते हैं। यहाँ पे आप अपने फॉन्ट्स यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे जोन से भी आपको सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके साइज़ के लिए क्या करें, तो साइज़ के आप सामने देख पा रहे होंगे फॉन्ट के सामने 11 लिखा हुआ है, आपको 11 पे टाइप करना है। 11 पे टाइप करने के बाद आप, मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा फॉन्ट साइज़ 22 हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब इसे दोबारा से 11 कर देता हूँ तो मेरा पहले की तरह हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका साइज और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें कुछ टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, ये भी बेसिक चीज़ में आता है, हमें टेबल बनाना है, टेबल चार्ट बनाना है, तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे भी आपको टेबल बनाना है उस कर्सर को लाइए। जैसे कि मुझे नीचे एक साइड टेबल बनाना है, उस कर्सर को लाना ज़रूरी है क्योंकि वहीं पर टेबल का क्रिएशन होगा। आपको सबसे ऊपर यहाँ पर ए
और पेंसिल वाला लोगो जो दिख रहा है सर्च के बराबर में पहला वाला ऑप्शन, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे होम वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। होम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल, जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने एक टेबल क्रिएशन हो जाएगा। मैं टेबल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मेरी टेबल क्रिएशन हो चुकी है। आप इसका जो, अगर आप 3 लाइन से 4 लाइन करना चाहें, 4-5 लाइन करना चाहें, तो कर्सर को नीचे लाके, सबसे नीचे लाके, जैसे कंप्यूटर में करते हैं, नीचे लाके नीचे वाला टैप कर दीजिए, आपकी टेबल क्रिएशन होती जाएगी। आप दोबारा से करेंगे तो उस वो अपने हिसाब से क्रिएट होती जाएगी। आप इस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है पिक्चर के ऊपर। मतलब आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, वो कहाँ से करेंगे, तो उसी के बारे में मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे ऊपर ही वो वाला जो पेंसिल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। पहले पेंसिल वाले टेबल जब बन जाए, या अगर आपको ऑप्शन वो नहीं दिखे, क्योंकि आप कह रहे थे पहले ए और पेंसिल आ रहा था, अगर आपका ऐसा नहीं आता तो पहला वाला जो पेंसिल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। दोबारा से जो ए और पेंसिल आ रहा है सर्च के बराबर में, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका होम वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाता है। जैसे मैं ए और पेंसिल वाले पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरा यहाँ पे होम वाला ऑप्शन खुल चुका है। होम वाले पे बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फोटोज़ जो आपकी गैलरी में हो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बड़ा या छोटा कंप्यूटर की तरह बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी आपका पीसी का काम है वो आप मोबाइल से बेसिक चीज़ों के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बेसिक चीज़ नहीं पता होती, उन्हें लैपटॉप की ही ज़रूरत होती है, और आपके सामने लैपटॉप नहीं होता तो आप उसको वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप कहीं भी हो, ट्रैवलर कर रहे हो या फिर कहीं पे भी हो, आपके सामने सेलफोन ज़रूर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस की मदद से बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।